भाई आप ये तो जानते हैं कि नीसू देसवाल हमारे बीच नहीं रहे। 26 फरवरी 2024 को एक ट्रैक्टर हादसे में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज हम समझेंगे कि इस हादसे की असल वजह क्या रही होगी, क्योंकि वो ट्रैक्टर की रग रग से वाकिफ थे और यह उनका कोई पहला स्टंट नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जान चली गई। ये सब समझने से पहले आप रवि चौधरी की ये वीडियो देखिए जिसमें उनका ट्रैक्टर तकरीबन पलट ही जाता है लेकिन उन्हें एक खरोच भी नहीं आती। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये ट्रैक्टर रवि चौधरी को नीसू भाई ने ही तैयार करके दिया था। फोटो खींच रहे हैं क्योंकि रवि चौधरी ने कुछ दिन पहले ही यू पाइप को अपग्रेड किया था और इस पर मोटी व चौड़ी पत्ती लगाकर यू पाइप की मजबूती को और बढ़ा दिया था। हल्को भाई ट्रैक्टर को फोड़ इतना ज्यादा ना कोई इतना ज्यादा वजन है हमें, पर ये दिक्कत है पाइप भी बहुत ज्यादा कमजोर, देखो पत्ती देखियो कितनी पतली पतली पत्ती है, यहाँ वेल्डिंग लग रही, वेल्डिंग करके लग रही है, पूरी सीधी पत्ती लगवाएंगे हमें और इनने भी इतनी चौड़ी चौड़ी पत्ती करवाएंगे और यहाँ भी इतनी चौड़ी। भाई यू है 250 की और यू 500 की है भाई, 8 किलो कितना है? 8 किलो 200 ग्राम वजन है 4 पत्ती। अब बात करते हैं नीसू भाई के साथ हुए हादसे के बारे में। इस हादसे के कारण को समझने के लिए हमें 2 महीने पहले जाना पड़ेगा, जब नीसू भाई अपने स्वराज 855 पर बड़े टायर डालने के बाद उस पर मडगार्ड लगा रहे थे। इस वीडियो में देखिए जब नीसू भाई को पूरे पानीपत में नट बोल्ट नहीं मिलते तो उन्होंने यू पाइप के हल्के व नाजुक नट को ही ट्रैक्टर के मडगार्ड में लगा दिया। जो एजेंसी हम न देव भाई वो देव है इस प्रकार का कुछ नट बोल्ट, जो हमारा रहेगा छोटा क्योंकि बीच में आ गए स्पेसर वो 2 मोटे 1.5 इंच के, फिर हम ले गए थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जो इसकी चूड़ी है भाई इन चूड़ियों में फर्क देखो, ये बारीक चूड़ी है ये मोटी चूड़ी है, तो यो भी हमारा बेकार गया। ऐसे ऐसे हमारे पास 4-5 पीस है वो सारे सारे गए बेकार। फिर हम ले गए स्टड तो हमने मिला नहीं, फिर हम ले गए ऐसा बोल्ट, ये भी साइज में देखो कुछ इस जितना ही है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। फिर भाई पूरा पानीपत ढूंढ दिया हमने, कहीं पे भी इसके बोल्ट नहीं मिले। फिर मेरा दिमाग चला जो जुगाड़, ये ऐसे ऐसे नट बोल्ट हमारे पास 30-40 पड़े होंगे क्योंकि यहाँ पर लगते हैं ये, इन्हें बिल्कुल बारीक चूड़ी वाले नट बोल्ट लगा। फिर इसमें प्रॉब्लम ये है भाई, देखो ऐसे भिड़ तो जाओगा यू यहाँ पर भिड़ तो जाओगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइट करने में प्रॉब्लम आओगी जब हम यू पाइप लगा देंगे ना, तो इस पर ना यहाँ यहाँ चाबी लग सका, ऐसे नहीं लग सकती ना, इस पर गुट्टी लग सकती ना, इसे पन्ना लग सकता, तो कुल मिलाकर भाई यो भी हमारा वेस्ट गया। कहीं पर भी हमने भाई नट बोल्ट जो ट्रैक्टर के मिल नहीं रहे थे मरगाडो के लिए, पूरा पानी पर सारा एरिया हमने छान मारा, पता नहीं क्या चक्कर रहता, आउट ऑफ स्टॉक थे, पता नहीं आ ही नहीं रहे थे, मेरे सिस्टम नहीं समझ आया। फिर ये वाले नट बोल्ट हमारे घर पे ही पड़े थे और इन्हीं की हमने जरूरत थी, ये कहाँ पाए थे, ये आए थे इस चीज में, पंजाब तक यू पाइप लेके आए थे, वहां का ये बोल्ट आया था और ये बोल्ट, यो बोल्ट बस वैसे ही लग गया, हमने ट्राई करके देखा, मैं चल ट्राई करके देख लो क्या पता लग जाए, और लग गया। देखो घर पे चीज थी, इतने दुखी हुए, इतने पैसे वेस्ट करे, इतना टाइम वेस्ट करा और चीज हमारे घर पे ही थी, लेकिन बस थोड़ा समझने की देर थी, ये हमने समझ में आ गई, ये खो गए थे गुम हो गए थे, 2 तो हमने मिल गए थे, फिर ये 2 नहीं मिले, इनमें बहुत टाइम लगा ढूंढने में, इन मत एक की तो चूड़ी बिल्कुल खत्म हो रही, खोल का आपसे भी दिखाता हूँ, बाकी ये हमारा काम चल जाएगा, इसकी तो ठीक है, यो है मेरा, ये देखो कितनी चूड़ी बिल्कुल खराब हो रही इसकी, एक बार यू पाइप की और अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाओ फिर मना प्रॉपर एक ही होगा भाई। हाँ, और ये वही नट होते हैं जिनसे यू पाइप जुड़ा होता है, और आप जानते हैं कि यू पाइप ही ट्रैक्टर के खड़े होने पर सारा का सारा ट्रैक्टर का वेट उठाता है। उन्होंने यह एक सिर्फ टेम्परेली जुगाड़ लगाया था जो कि वो थोड़े दिन बाद बदलने वाले भी थे, मगर शायद स्टंट करते टाइम उन्हें याद ही नहीं रहा कि नट बोल्ट नाजुक है और नट टूटने के कारण ट्रैक्टर उनके ऊपर ही आ गिरा और इन्हीं नाजुक नट की वजह से हमने अपना एक चमकता सितारा खो दिया। वैसे कुछ टाइम से नीसू भाई ने स्टंट मारने बिल्कुल बंद कर दिए थे, जब ट्रैक्टर खड़ा हो तो माइंड काम करना बंद कर जाए, 20-30% माइंड काम करे, तो उस टाइम पे आप ध्यान नहीं रहा, ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा होगी, ट्रैक्टर पलट गया होता, वो जोर तो पकड़ रखा था, बस नहीं जोर तो पकड़ रखा होता तो मैं भी शायद नहीं चपड़ जाता ट्रैक्टर का। यार वो ट्रैक्टर किस्मत आला है बेचारा, एक बार पलट गया था उस टाइम पे भी चोट नहीं आई थी, लास्ट टाइम जब वो थोड़ा होया सीन जब भी चोट नहीं आई, मतलब वो अपने आप टूट जाए बेचारा, ड्राइवर के ऊपर चोट नहीं आना होता। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताना कि अगर नीसू भाई उस दिन जोंडियर ले जाते तो शायद ये हादसा टल सकता था।